नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हैं हमारे किसान के यहाँ पर, जिनको हमने पौध तैयार करके दी थी टमाटर की, सिमिनोन्स कंपनी का अभिलाष। जैसे कि आप ये पूरा खेत देख रहे हो, इसके अंदर हमारे द्वारा तैयार किया हुआ जो टमाटर की पौध थी, नर्सरी थी, वो किसान ने लगाई थी। और अभी ये पौधे लगाए हुए किसान को 15 दिन हुए हैं, और इसमें आप देख रहे हो कि बढ़िया तरीके से ग्रोथ चल रही है टमाटर की। और इसमें एक थोड़ी सी परेशानी ये होगी कि जैसे बीच के अंदर में ज़्यादा धूप गिरने की वजह से कुछ कुछ जगह पे जैसे आप देख रहे हो कि पौधे चले गए हैं, इनके अंदर दोबारा से हम इनमें पौध लगवा रहे हैं पौधे। जैसे कि इस जगह पे ये ज़्यादा गर्मी गिरने की वजह से, हीट की वजह से ये पौधा चला गया, तो और जो पौधे सही थे वो बढ़िया तरीके से जड़े चल चुकी हैं और बढ़िया चल रहे हैं। तो इसमें आप जो ये देख रहे हो बेड की जो लंबाई चौड़ाई है साथियों, तो ये बेड की लंबाई इसके अंदर 2.5 फीट दे रखी है किसान ने, तो यहाँ से लेके वहाँ तक की जो ये लंबाई है 2.5 फीट है। इसमें 2 ड्रिप लाइन दे रखी है, ये देखिए, एक ये है और एक ये है, दोनों ड्रिप लाइन है, वो दोनों जो तरफ के गड्ढे हैं उनके नज़दीक में है। और जो लाइन से लाइन का जो बीच में गैप दे रखा है किसान भाइयों, ये गैप अपने 3.5 से 4 फीट का दे रखा है। ये आप सोच रहे होंगे कि ये जो फैलने वाला टमाटर, ज़मीन वाला टमाटर है, और फिर भी इसमें इतना गैप क्यों है। इतना गैप देने का ये रीज़न है कि जैसे ही टमाटर के पौधे बड़े होंगे तो बेड पे तो कम रुकेंगे, नीचे ज़्यादा गिरेंगे। तो नीचे जैसे इधर का पौधा कम से कम 1.5 फीट तक कवर करेगा और ये वाला भी कवर करेगा, तो बीच में गैप चाहिए अपने को टमाटर तोड़ने के लिए, आने के लिए, जाने के लिए। कल को इसमें स्प्रे भी करना है, और भी कुछ अदर कार्य हैं जो अपने टमाटर के अंदर होते हैं, इसकी ट्रेनिंग भी करनी है, इसकी प्रूनिंग भी करनी है। तो उस समय क्या है कि अपने टमाटर की जो बेल है या टमाटर के जो पौधे हैं उन पर पैर रख के नुकसान ना हो, इस वजह से हमने ये गैप ज़्यादा करवाया है। और ये गैप हम पिछले कई सालों से करवा रहे हैं, तो जिससे जिसके अंदर किसान को फ़ायदा भी हो रहा है और किसान बढ़िया तरीके से इसको मेंटेन भी कर रहा है। ये मेरे हाथ में पौधे देख रहे हो टमाटर के, ये विलास के ही पौधे हैं और हमारे द्वारा तैयार किए गए नर्सरी के पौधे हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमने ये कोकोपीट में तैयार की है नर्सरी, तो पूरा का पूरा इसमें 100% जर्मिनेशन भी आया हुआ है। और इसी के साथ में इसमें पौधे भी जो आप देख रहे हो, इसकी हाइट अपने यानी 20-25 दिन की पौधे अभी है, और इसकी बढ़िया तरीके से इसकी हाइट है। तो अभी हम यहाँ पे किसान के यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये पौधे लेके आए थे, इनको बता रहे हैं कि किस आधार पर इसके अंदर जो गए पौधे उसमें कैसे आपको पौधे लगाने और किस आधार पर इनको मेंटेन करना है। देखिए साथियों, मैं आपको बताता हूँ किस आधार पर अपने पौधे लगाए जाते हैं। जब भी आप ट्रे से पौधे निकालो तो कुछ ऐसे पकड़ के खींचने से क्या है कि पौधा टूटने का डर रहता है, तो हल्का सा आपको नीचे इशारा करना है, ट्रे के नीचे वाले हिस्से में हल्का सा इशारा करना है और पौधे को पकड़ के ऊपर ले लो। ये देखिए साथियों, ये पूरा का पूरा पौधा आप देख रहे हो बढ़िया तरीके से, इसमें जड़ें चली हुई है और बढ़िया तैयार है, ऐसे कि एज इट इज़ इस पौधे को अपने लगा सकते हैं। इसको लगाने का तरीका ये है कि पहले जो ज़मीन में जगह है वहाँ पे अपने हल्का सा इतना गड्ढा करो कि इसमें पौधा अपने आराम से आ सके, और इसको आराम से धीरे से रख के इसमें इसको सेट कर दो मिट्टी को, बिल्कुल सेंटर में करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कम रहती है मिट्टी गड्ढे में तो आप साइड से डाल सकते हो, लेकिन पौधे के तने के ऊपर मिट्टी नहीं चढ़ानी है। अगर मिट्टी चढ़ाएंगे तो यहाँ से ही सड़ जाएगा और नीचे गिर जाएगा, अपने फिर देखेंगे ये पौध खराब हो गई है। देखिए साथियों, ये तरीका इस आधार पर आपको पौधे लगाने हैं, चाहे किसी भी की नर्सरी हो, ऐसे ही नीचे से हल्का सा इशारा करो, पौधे को निकालो। सभी पौधे में आप देख रहे हो इक्वल है, ये सभी पौधे, ये नहीं है कि किसी में जड़ें ज़्यादा हैं किसी में कम है। हमने गड्ढा बनाया और पौधे को रख दिया आराम से। इसी आधार पर आपको जितने भी पौधे जैसे हम बता रहे हैं अभी, तो और अगर आप भी लगाना चाहो नर्सरी के अंदर में, तो ऐसे ही आपको करना है। क्योंकि किसान भाई ज़्यादातर क्या करते हैं कि अपने ज़मीन पर बारिश के मौसम में रेत नर्सरी तैयार करते हैं, और वो नर्सरी जाने का खतरा रहता है, थोड़ा टाइम भी लगता है उसके अंदर में। साथियों, इस आधार पर इसमें आपको पौधे लगाने हैं। अब ये देखिए, जैसे हमने पौधे लगाए तो बिल्कुल पूरा ये गैप फिलिंग हो गया है, और बढ़िया तरीके से पौधे आराम से इसमें पूरा जो गैप हो गया, और बढ़िया प्रोडक्शन आएगा, बढ़िया सारा सिस्टम रहेगा। इसके साथ हम आपको बता दें, जैसे कि जो हमने ये खेत तैयार करवाया था, इस खेत के अंदर में हमने एक प्रति बीघा के आधार पर 5 से 6 ट्राली गोबर की खाद डलवाई थी, उसको रोटोवेटर से मिक्स करवा के, और इसके अंदर हमने बेड बनवा दिए हैं। अब इसके अंदर जैसे ही अब हर पानी के अंदर में इसमें जीवामृत
चलवा रहे हैं, उसके साथ में वेस्ट डिकम्पोजर भी चलवा रहे हैं, जिससे कि जो अपना गोबर है सड़ा हुआ था फिर भी उसको बढ़िया उपयोग हो सके। इसी के साथ में इसमें जैसे कोई खास अभी फ़िलहाल कोई अपने दवाई की ज़रूरत तो नहीं पड़ी है, क्योंकि इसमें अब जैसे हमने जीवामृत चलाया है तो उससे क्या है कि इसकी जड़ें भी बढ़िया चल चुकी है और बढ़िया ये अभी ग्रोथ पे आ जाएगा टमाटर, क्योंकि अभी बीच में गर्मी की वजह से ये इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है। जैसे ही आगे होगा तो इसमें अपने वाइट फ्लाई का अटैक आए, अपने उसके अलावा जो अपने कैटरपिलर है उसका अटैक आएगा, तो इसके लिए हम 10 पन्नी आर के पंच पत्ती काढ़ा नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे इसके अंदर में, नीचे निमेटोड से बचाने के लिए पेसिलोमाइसिस हो गया उसका उपयोग करेंगे। शुरू के अंदर में हमने जो टमाटर लगाने से पहले इसमें हमने ट्राइकोडर्मा भी चलाया था ड्रिप के अंदर में, जिससे कि इसमें जड़ों में कोई फंगस हो वो प्रॉब्लम ना आए, और पौध को उपचारित करके भी लगाया है। तो किसान भाइयों, आगे और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, और जब तक हम नए नए आपको वीडियो बताते रहेंगे, उसमें नई नई टेक्निक बताते रहेंगे, हमने बताया आपको कैसे टमाटर की पौध तैयार होती है, कैसे तैयारी होती है, कैसे लगाया पौधे को, कैसे लगाया, कितना गैप छोड़ा है, उसी के साथ में कि इसमें प्रोडक्शन कितना आएगा, जैसे ये प्रोडक्शन पे आएगा तो उसके साथ में नया वीडियो आपको बताएंगे, उसके लिए नई नई जानकारी के लिए साथियों आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद किसान भाइयों।